कहानी बुद्धिमान साधु। एक साधु घने जंगल में होकर जा रहा था, उसे अचानक सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह बाघ निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना बचने का कुछ उपाय करके देखें। साधु ने बाघ के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। बाघ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, ओ रे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा डालूँगा? साधु ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और बाघ चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था। तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ, यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम ज़रा ठहरो, देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को झोली के मुख के पास लाकर बाघ से कहा, देखो, यह रहा पहला वाला बाघ। बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा, उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दी। इसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी गुर्राता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही कुशल है। वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। वह अपने साथियों के साथ पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो, कहीं आदमी भी बाघ को खा सकता है? चलो, मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। बाघ का सरदार दूसरे बाघों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था, तभी बाघों का सरदार वहाँ पहुँचा। जब लकड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते हुए देखा तो डर के मारे उसकी घिग्गी बंद गई। वह कुल्हाड़ी फेंककर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, वह पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चलें। बाघों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता, तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग ना जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट खाया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वह बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बाघ के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, फिर यह भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज़ और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। वह उल्टे पैरों भागने लगा।
उसके साथी भी उसे भागता हुआ देखते ही सिर पर पैर रखकर भाग गए। बुद्धि बल पर भारी पड़ती है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।